हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग शेफ। आज हम बनाने वाले हैं वेनिला फ्लेवर आइसक्रीम घर पे ही घर के सामान से। तो चलो शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे 2 कप फुल फैट दूध लिया है। दूध जो कच्चा है हमने इसे गर्म नहीं किया है। अब हम इसमें आधी कटोरी शुगर ऐड करेंगे। स्पून से कहेंगे तो ये 4 से 5 स्पून है। हम इसमें 2 स्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच ऐड कर सकते हो। अब इन सबको अच्छे से हम मिलाएंगे। लम्स नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए गैस के ऊपर रखने से पहले हम इसे अच्छे से लम्स फ्री मिक्स कर लेंगे। अब हम दूध को गैस पे चढ़ा दिया है। इसे मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे पकने देना है। कंटिन्यूसली स्टिर करते रहना है ताकि ये बॉटम ना पकड़े। अच्छे से उबलने तक हमें इसे इस तरह चलाते रहना है। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पे हम दूध को पका रहे थे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह हुई है। हमारा मिश्रण अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हो। अब हम इस स्टेज पे गैस को ऑफ कर देंगे और दूध ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमने यहाँ पे 1 कप फ्रेश क्रीम लिया है। पहले थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। ये मिश्रण ऐड करेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस ऐड करेंगे। इसे दोबारा एक बार मिक्सर में चला लेंगे। इस तरह हम एक कंटेनर में इसे ट्रांसफर कर देंगे। अपने इस कंटेनर को एक फॉइल से इस तरह कवर कर लूंगी ताकि इसमें क्रिस्टल्स फॉर्म ना हो। आपके पास फॉइल ना हो तो आप पॉलीथिन शीट भी कवर कर सकते हो और इसे 7 से 8 घंटे तक फ्रीजर में रख दीजिए। 8 से 10 घंटे हो चुके हैं। अब हम अपना आइसक्रीम देखेंगे। वाओ, कितने अच्छे से बना है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम जो है बिल्कुल मार्केट वाले वेनिला आइसक्रीम जैसी बनी है। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट क्रीमी, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।